हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो बताएं कैसे हो आप सब। तो ये है शाम के 4 बजे का ब्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मैंने भैंसों को चारा डाल दिया था और चाय बना ली थी, सबने पी ली थी और पानी भी पिला दिया था मैंने भैंसों को और गोबर भी मैंने डाल दिया था और चाय के बर्तन थे वो वहीं इकट्ठे करके छोड़ दिए थे। तो अब मैं भरी थी घड़ों में पानी और यहाँ निकाली थी मैं टंकी है, हमारा 9 फुट गहरा टैंक है जिसके अंदर सप्लाई वाला पानी आता है तो हम इसके अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। तो यहाँ से मैंने पानी भर लिया था साफ पानी जो अंदर घड़ों में डालूँगी पानी। तो यहाँ मैंने साफ पानी भर कर टैंक के अंदर से, तो यहाँ मैं घड़ों में छान कर पानी भरी थी क्योंकि हम ये ही पानी पीते हैं, कोई RO या कोई फिल्टर नहीं है। और यहाँ मैं सारे घड़े भर लूँगी, बर्तन चाय के धुल गए थे सारे और ये मैंने घड़े भी यहाँ भर दिए थे जो मतलब शाम को भर देते हैं ठंडा होने के लिए और सुबह वो ठंडा पानी हो जाता है, तो इसलिए एक घड़ा धो के भर देती हूँ, एक घड़े में ठंडा पानी रहता है और एक घड़ा जो है चाय पानी आटा लगाने के लिए वो हम भर के रख देते हैं, छान के रख देते हैं सब पानी को। तो यहाँ भी मैंने घड़े भी भर दिए थे और अब मैं चलूँगी बाहर की तरफ, देखती हूँ मेरा क्या काम है और उसके बाद मैं चूल्हे में आग बाढ़ूँगी। और अब आ गई थी मैं यहाँ चूल्हे के पास, अब मैं चूल्हे में आग बाढ़ने बैठ गई थी। मैं चलो चूल्हे में आग बाढ़ कर रख देती हूँ फिर, क्योंकि सब्जी आटा रोटी सब्जी सब कुछ इसी पर होगा और उसके बाद चलो वहाँ कुछ दूध वूध भी रखना है तो आरे में आग भी पड़नी है। और उधर बंटो चंटो सब रख दिया था मैंने, चाट रख दिया था भैंसों का क्योंकि जब भैंसों को चारा मिलाते हैं तब साथ के साथ चाट भी हम रख देते हैं। और बाहर भैंसों के नीचे झाड़ू भी साथ के साथ मैं वहाँ लगा देती हूँ जहाँ वैसे हम दो पैर में बांधते हैं, और गोबर उठाने के बाद वहाँ मिंगने जैसे ऊँट के मिंगने होते हैं उठाने के बाद वहाँ झाड़ू लगा देती हूँ साथ के साथ। और अब आंगन में भी झाड़ू लगाऊंगी। देखो पवी उड़ा रहे हैं पतंग, दोनों ही बहन भाई लगे पड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपको मेरे चैनल वेलकम है, बताइए कैसे हो सब। और ये देखो यहाँ पवी उड़ा रहा है पतंग। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अभी फिलहाल 6:30 होने वाले हैं शाम के और यहाँ सबको चारा वारा मैंने डाल दिया है, उसको इन सबको चारा डाल दिया है और उधर भैंसे चढ़ा रही हैं, भैंसों को भी डाल दिया, पानी भर दिए, घड़े भर दिए हैं। और ये देखो मैं पूरा एरिया आपको दिखा देती हूँ, ये बाथरूम है हमारा और ये देखो ये बाहर का एरिया है पूरा, दरवाज़ा यहाँ से दिखा देती हूँ आपको पूरा घर। ओह चूल्हे में भी आग बढ़ने बाढ़ती है, ये देखो दादी दूध निकाल दी इनकी एसपी की और ये मेरा पूरा घर है ये देखो। और कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी वीडियो है। चलो चलो देखना। और आ रहे मैं आग से लगा दी थी मैंने और अब मैं दूध छान कर यहाँ रख रही थी और ये रख रही हूँ मैं दूध गर्म यहाँ, क्योंकि ये दूध अभी शाम को ही गर्म करते हैं क्योंकि 2 किलो किशोर को देते हैं, 1 किलो किशोर को दे देते हैं दूध, तो जो थोड़ा सा दूध बचता है वो हम शाम को ही गर्म करते हैं। तो जितना अब दूध बचा था वो और जो अब दूध निकाल के लेंगे वो सारे एक साथ ही डाल कर आरे पर रख देंगे। तो ये जो थोड़ा सा था छान कर मैंने दूध आरे पर रख दिया गर्म होना, इतना मम्मी दूध निकाल कर लेंगे और चाय के रखने के बाद बाकी दूध को हम फ्रीज में रख देंगे और बाकी दूध जो बचेगा उसको हम इसके अंदर डेचकी के अंदर गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अब सब्जी बन गई हमारी, बन गई है पेठे की सब्जी बनाई मैंने, ये मिर्च वाली है और ये बिना मिर्च की सब्जी है। और अभी मैं बना रही रोटी, और रोटी ये देखो ऐसे वो रोटी बनाते हैं मोटी मोटी सीख रही है और ये तवे पर दूसरी रोटी मैंने डाल दी है और चलो इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। तवे की रोटी गैस जितनी अच्छी नहीं होती है, गैस से अच्छी होती है मतलब, है ना? हाँ तो सही, तवे पर रोटी बनाओ और गैस पर बनाओ फर्क होता है। ये देखो हमारी रोटी हो गई तैयार बिल्कुल फुल्का, कि हमारे गिलोड़ी होती है ऐसी, मेरे पास वहाँ भी है नोएडा भी है और हाँ। भी है गांव में, हमारे दोनों रखी हुई। और अब रोटी वोटी बनाने के बाद ये रात का रूटीन मेरा ख़त्म हो गया था, तो अब ये था मॉर्निंग रूटीन। अगले दिन मैंने सब जगह बाहर झाड़ू, मेरा सब कुछ काम हो गया था, गोबर भैंसों को चारा झाड़ू लगाना बर्तन धोना सब काम मैं निपटा कर आ गई थी बाहर। बस अब मैं धोने थे मुझे कपड़े, वॉशिंग मशीन लगानी थी आज, क्योंकि आज से कपड़े नहीं धोऊँगी, सिर्फ धोऊँगी तो इसके दादा के धोऊँगी क्योंकि वो वाइट कपड़े हैं तो गंदे जो हो जाते हैं,
तो मशीन में साफ नहीं होते हैं, तो मैं हाथ से धोती हूँ। तो आज मैं सारी बेडों की चादर, मंचों की चादर, चारपाई की चादर, सब की चादर उतार के धुल दूँगी। तो पहले आ गई थी पूजा वाले रूम में, या पहले पूजा के रूम की चादर मैंने उतार दी थी धोने के लिए, और इसके ऊपर दूसरी चादर बिछा रही थी मैं। चलो उसको भी बिछा कर अच्छे से फोल्ड करके अंदर दबा के अच्छे से कवर कर दूंगी चादर को, और सारी चादरें उतार कर मैं बाहर ले जाऊंगी। और मैं ये झाड़ू लगाते लगाते सारे काम पहले ही कर देती हूँ, चादर साथ के साथ चेंज कर देती हूँ, क्योंकि धुलनी है मुझे तो चादर भी साथ के साथ चेंज कर लेते हैं। तो इस रूम की मेरी चादर चेंज हो गई थी, और उसको भी मैं अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे चादर बार बार ना निकले। ये मैं हर बेड के साथ ही करती हूँ, चारों तरफ से चादर को कवर कर देती हूँ, क्योंकि जब बैठते हैं ना तो चादर चारों तरफ से खिसक जाती है, तो इसलिए मैं चारों तरफ से बेड की चादर को कवर कर देती हूँ। और सॉरी गाइस, जो बाहर की आवाज़ है उसको अवॉइड करना, क्योंकि बाहर मैं एडिटिंग कर रही तो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो अब आ गई थी बाहर वाले रूम में, इसमें यस भी सो रही थी, बच्चों को उठा रही थी मैं मॉर्निंग टाइम में, ये कम से कम सवा सात या सात बजे का टाइम था जब मैं इनको उठाने आई थी, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था। तो मैं चलो इस बेड की भी चादर उतार देती हूँ, और अब मैं इनको फोल्ड करके रख रही थी और तकिए कवरों को चेंज कर रही थी। अब इन सारे जो बच्चे ओढ़ कर सोए थे इनको फोल्ड करके रख दूँगी, बच्चों को बोल रही थी चलो अंदर जाओ और चाय पी लो जाके अंदर, तो ये उठ नहीं रहे थे। मैं फटा उठ जाओ, फिर मैं लेट हो रही हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ। झाड़ू तो पता नहीं क्या है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि पहले मैं बहुत बीमार रह चुकी हूँ, तो इतना कुछ खाया पिया खुराक मैंने मिली नहीं खाने को, तो उसकी वजह से क्या है शरीर काम नहीं करता बिल्कुल भी, बॉडी इतनी कमज़ोर हो रही है तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाती हूँ। और आज मुझे ऐसे बोले काम नहीं करती, ये नहीं करती, ऐसे नहीं करती, तो कोई कुछ भी बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। अब मेरे काम जितना होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं पूरा काम करूँ, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि काम को कवर नहीं कर पाता है। तो अब यस को भी मैंने बोल दिया था उठ जा बेटा, और ये मैंने फोल्ड कर दिए थे। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं और मेरी ननद को बोलते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी ननदों को बोलते हैं, अभी उन रिश्तेदारों को बोलना चाहती हूँ उनको ना बोलो मुझे बोलो। वो बोलते हैं ना राधे श्याम मुझे नहीं रोकते वीडियो बनाने के लिए, वो नहीं रोकेंगे मुझे, मैं उनकी वाइफ हूँ, उनको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ। और जिसको बोलना ना डायरेक्ट मेरे मुँह पर बोलो आके, मेरे रिश्तेदारों मेरे को बोलो, मैं सुनूंगी ना, मेरे को बोलो, उनको मेरी ननदों तक जाने की आपको क्या ज़रूरत है। मैं उन रिश्तेदारों को ही बोल रही हूँ जो मेरी ननदों को बोल रहे हैं, उनको ना बोलो मुझे बोलो डायरेक्ट। अरे कौन है वो रिश्तेदार, तुम क्या शादियों में स्टेज पर जाकर फूल लेते हो, हाथ पकड़ कर उनको चढ़ाते हो, सब कुछ शो करते हो, सारी दुनिया देखती है, तब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तुम खुद भी हो उनमें शामिल। क्या पता जो मुझे बोल रहा है, जो मेरे बारे में बोल रहा है, वो खुद ने ऐसे किया हो, स्टेज पर चढ़ा हो, हाथ पकड़ कर चढ़ाई हो, सब कुछ किया हो, वो मुझे क्या बोल रहा है। तुम फोटो नहीं खिंचवाते, और जब स्टेज पर वीडियो बनती है हज़ार लोग वीडियो बना कर लेते हैं, क्या पता कौन कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पर उन वीडियो को डालता है। बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो, और जो बोल रहे हो ना तो मेरे को बोलो डायरेक्ट, मेरी ननदों तक मत पहुँचो, ठीक है नहीं। जिसको जरूरत है ना मेरे से बोलो आके, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, जो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है मेरी वीडियो बनाने से, आप लोग कौन होती सरे तेली हैं, देखनी हो तो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, और बोलो मेरे से डायरेक्ट बोलो, दूसरों के द्वारा मेरे पास ये बात कैसे पहुंचा रहे हो। जिसको प्रॉब्लम है ना वो मेरे से बात करो आके, और जिसको भी ज़्यादा दिक्कत है ना तो आ जाओ इधर, उनके साथ मत मुँह मारो मेरे बारे में, ठीक है नहीं। मैं किसी की गुलाम नहीं है, मैं मेरी मर्जी से करें जो काम करें। यार कौन कह रहा है ना झाड़ू पोछे की वीडियो नहीं होती, जब घर में कोई काम होता ना व्लॉग होता, वो उसमें झाड़ू पोछा भी आएगा, बर्तन धोती आऊँगी, कपड़े धोती भी दिखूँगी, नाती धोती सब काम आएगा उसके अंदर, व्लॉग का मतलब यही होता है जो घर में हम काम करें वो दिखाना, ठीक है नहीं। और झाड़ू पोछा रही बात, मैं जो और काम करती हूँ तो मेरी मर्जी से करती हूँ, आपकी मर्जी से नहीं करी वो काम। जिसको भी प्रॉब्लम है दिक्कत है वो मेरे पास आके आए, उनके उन तक मत जाए, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो ठीक है, और उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जिसने बोला है, ठीक है, कोई भी हुआ वो चाहे, ठीक है, जिसको दिक्कत है वहाँ मेरे पास आ जाइयो, उनको मत बोलो। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, तुम तीसरे तेली कौन आ रहे हो बोलने वाले, और ऐसे ऐसे कुएं पड़ो और बाढ़ में जाओ, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। देखनी हो तो वीडियो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो। तुम बोलने वाले मुझे कौन होते हो, हैं,
जब मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं मेरी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है, आप तीसरे के लिए कौन हो? हैं, ठीक है बोलना तो डायरेक्ट बोलो, और नहीं तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे पता है, मैं वीडियो बना रही हूँ, सोशल मीडिया पर रही हूँ। साहब आज कौन ये सोशल मीडिया पर? अरे सब हो, किसी की आईडी का पता है, किसी का नहीं पता, मैं पब्लिक हूँ, मैं चोर नहीं हूँ जो लुक छुप के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना? सरेआम मेरे हस्बैंड को, सबको पता है। और अब यहाँ मैंने बेड की चादर भी फोल्ड कर दी थी, अच्छे से कवर कर दी थी, चारों तरफ से कवर है। और अब मैं थक गई थी, मैं चलो थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मेरी कमर बहुत दर्द करने लग जाती है और हाथ पैरों में दर्द हो जाता है क्योंकि मेरा बीपी लो ज़्यादा रहता है, जिससे मेरे से काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बीपी लो की वजह से मेरे पैरों में, हाथ पैरों में सत नहीं होता, थकान बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ रेस्ट करने के लिए लेट तो गई थी, फिर मुझे वहाँ मैं लेटने से क्या होगा, काम तो मेरा अंदर और भी पड़ा, मशीन लगानी थी मुझे कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मैं उठ गई थी। मैं चलो इनको तकिए कवरों को यहाँ साइडों में लगा देती हूँ, और इनके कवरों को डालकर मैंने यहाँ रख दिया था, और चलो इन कवरों को मैंने बेड के साइडों में लगा दिया था, अच्छे से लगा दिया था, चादर मेरी पूरी कवर हो गई थी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बिल्कुल सहन नहीं होती है। और हमारे गांव में तो बिल्कुल खुला माहौल ज़्यादा है, मतलब खुला है ज़्यादा, पूरा घर कवर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब घर से कम एक रूम से बाहर निकलते तो तपती धूप ही निकलती है पहले, और इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है हमारे, तो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा सहन नहीं होती है, ना ज़्यादा गर्मी सहन होती है, ना ज़्यादा ठंड सहन होती है। ज़्यादा गर्मी से सिर में दर्द हो जाता है मुझे, और यह नहीं कहूँगी मुझे आदत नहीं है, आदत तो देखो जहाँ रहने लग जाते उसके अनुसार हमें आदत भी बन जाती है। वो क्या होता है ना, कमज़ोरी, कमज़ोरी की वजह से कोई चीज़ सहन नहीं होती है, मेरे अंदर ज़्यादा ही कमज़ोरी आ रखी है क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार रही हूँ, कुछ रही हूँ, उस टाइम मुझे खुराक नहीं मिली खाने के लिए, मैं कहूँगी दूध खाया मैंने, कुछ भी नहीं ऐसा मिला, जिसकी वजह से मुझे आज मेरा शरीर इतना कमज़ोर है कि काम नहीं करता है, और ना सर्दी सहन होती इसलिए ना गर्मी सहन होती है। और अब यहाँ आ गई थी मैं भैंसों का गोबर उठाने, ये दोपहर का टाइम है क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ गोबर डाला रहेगा तो ये काट कर बुराल कर देंगी, मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई हुई थी, तो मैं चलो इनको साथ के साथ मैं कस्सी के साथ ही मैं छोटी झाड़ू और उसको उठा देती हूँ क्योंकि बार बार मैं गोबर मार डालने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने सारा गोबर यहाँ इकट्ठा कर दिया था। ये दोपहर में शाम के टाइम होगा, सब इकट्ठा करके डालूंगी मैं। और यहाँ देखो ये देखो आज बारिश का मौसम है, गेट बन गया है, यहाँ कितना प्यारा पेड़ लग रहा है, कितना अच्छा रहा है। और अभी दूंगी कपड़े, ये देखो ये पड़े हैं, लगाऊंगी देखते। और यहाँ मैंने टब पानी का भर लिया था, मैं चलो मशीन में भी कपड़े डाल दे, पहले पानी भर देते हैं उसके बाद कपड़े डालने, पहले मैंने मशीन को सेट कर दिया था अच्छे से। अब बाल्टी के साथ मैं पानी भर दूंगी क्योंकि पाइप इसके पास में नहीं है, नज़दीक नहीं, इसलिए मैं यहाँ पाइप नहीं लगा पाती हूँ, बीड मशीन के साथ डायरेक्ट पाइप लगा दूँ, इसलिए हमें क्या होता है बाल्टियों से पानी डालना होता है वाशिंग मशीन के अंदर। और आप सोचोगे ऐसे तो मेरे थोड़े दिन से बीपी लो चल रहा है, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी, बीपी लो होने की वजह से आप मेरे अंदर ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना। अब मैंने पानी भर दिया था वॉशिंग मशीन के अंदर, अब मैं डाल दूँगी सरफ पानी में और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और सरफ मैंने इसके अंदर डाल दिया था, दो बार डाला था क्योंकि मैं अगर थोड़ा रह गया था मैं बाद में डाल दूँगी, बच्चा नहीं था, फिर मैंने और सरफ मंगा लिया था, वहाँ सरफ नहीं है, इससे कपड़े नहीं धुलेंगे, तो मैंने पवी को भेज दिया था सरफ लिया, फिर पवी ने इसकी दादी लेकर आई थी। और ये मैंने मशीन चालू कर दी थी, मैं इतना सर्फ मिक्स हो जाएगा और थोड़ा और पानी इसके अंदर डाल देती हूँ जिससे पानी मतलब सर्फ घुल जाए अच्छे से, इसलिए मैंने अच्छे से सर्फ मिक्स हो गया था इसके अंदर। अब मैं पानी भर देती हूँ और थोड़ा सा, और अब मैं कपड़े डाल दूँगी, जो कपड़े अच्छे जैसे वाइट कपड़े हैं वो इसके दादा के वो डाल दूँगी, फिर भी साफ़ नहीं हुए थे मेरे से कपड़े,
मैंने एक बार दो तीन बार घुमाए थे, फिर साफ हुए थे, फिर मैंने को बाद में हाथों से धुला था। अब मैं सारे जो कपड़े हैं जो दो बार घुमाने हैं नॉर्मली जल, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं होते, क्योंकि बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम चेंज करते ना, तो वो सर्फ में निकालने के कपड़े होते हैं। तो मैंने भर दिया था, मशीन चालू कर दी थी मैं, और कपड़े हैं तो वो भी मैं देख कर लेकर आती हूँ कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। अब मैं इसके चाचा के भी कपड़े लेकर आ गई थी मैं, चलो ये भी धुल जाएंगे साथ में, क्योंकि वो ड्यूटी पहन कर जाते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो मैं ये भी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और पानी की कमी रहेगी थी इसमें, तो चलो मैं थोड़ा और पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर तक नहीं भरा था। अगर पाइप हो तो पानी बार बार बाल्टी में भरने की जरूरत नहीं है। वैसे पाइप है लेकिन जुगाड़ नहीं है इसको लगाने का, ऐसे डायरेक्ट दूर पड़ता है। मेरा एक चक्कर धुल गया था, वो मैंने पानी में निकाल कर कपड़े सूखने के लिए यानी ड्रे होने के लिए डाल दिए थे। अब मेरे कपड़े ड्रे हो गए थे, उनको मैं निकाल कर सुखा दूंगी, और जो दूसरे कपड़े हैं वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए थे, मैं ये भी धुल देंगे साथ के साथ। फिर बच्चे भी नहा लेंगे, इसके दादा ड्यूटी खेत से आएंगे तब वो भी नहा लेंगे दादा भी। और यहाँ मेरे सारे कपड़े निकाले थे जो मेरे कपड़े सूख गए थे, और दूसरा चक्कर मेरा चलने लग रहा था, तो मैं चलो फटाफट मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और अब मैं सारे कपड़े निकाल कर गई थी, और मैं चलो अब तार पर सुखा देती हूँ, क्योंकि ड्रे हुए थे थोड़ी देर धूप लगी, तो ये साथ के साथ सूख जाएंगे और साथ के साथ अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में फिर बार बार मैं बाहर नहीं आया जाता, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है बाहर निकलने का मन भी नहीं होता, लेकिन कोई आ जाता देखो जब चाय पानी के लिए तो निकलना पड़ता है, वैसे बाहर नहीं आते। बस 12 बजे के बाद फिर मैं 3 बजे ही निकलूँगी बाहर, 12:30 बजे के बाद, क्योंकि फिर बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं। और ये इसकी दादी सुबह के टाइम मैं पूजा करी थी, 8 बजे का टाइम था जब मैंने मशीन लगाई थी कपड़ा धोने वाली। और ये देखो ये इसकी दादी यहाँ लग रही थी पूजा करने, नहा धो कर पूजा कर लेंगे और मैं यहाँ कपड़ा धोलूँगी। आटा मैंने लगा दिया था, ये दादी रोटी बनाएंगे बना लेंगे, क्योंकि मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं कपड़ा धोने लगी थी मशीन में। मैं आटा लगा के सब कुछ चूल्हे आगे सब सामान रख के आ गई थी, पहले मैं मशीन लगा लूँ, फिर दादी कह रही थी मैं बना लूँगी रोटी, चलो मैं कपड़ा धो लेती हूँ फटाफट। और अब मैं दूसरा चक्कर भी है, चादर वदर धुली थी मैंने निकाल ली थी, और मैं चलो इनको निकाल के पानी के अंदर अच्छे से साफ पानी में निकाल देती हूँ। और टप में खड़ी हो गई थी मैं, पैर हाथ डालकर मैं अच्छे से इनको मथ देती हूँ, पैरों से हाथों से मथे नहीं जाते थे मेरे से, तो अब मैं यहाँ अंदर टप के अंदर घुस गई थी, और देखो ये निकाल रही हूँ मेरे से नहीं निकला था। मैं चलो टप के अंदर पैरों से रोन देती हूँ उनको, और अच्छे से साफ हो जाएंगे। अभी देखो अब मैं हाथों से लगी थी, हाथों से मेरे से हो नहीं रहा था, तो अब मैं इनको सलवार को ऊपर करके और मैं इसके अंदर टप के अंदर घुस जाती हूँ, और पैरों से चादर को इनको तौलियों को अच्छे से रोन देती हूँ, जिससे क्या होता है इनका दाग है जो अच्छी गंदगी है जो भी गंदा वंदा पानी है सब निकल जाएगा। तो ये मैंने इसका अच्छे से इसको रोन दिया था, ये देखो लगी पड़ी हूँ मैं बिल्कुल ही। और बाइक में बाथरूम में बिल्कुल रहने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी है इतने पसीने। और हमें इसके दादा के जो वाइट कपड़े थे वो अच्छे साफ़ नहीं हुए थे, मैं चलो उनको साबुन से अच्छे से हाथों से रगड़ देती हूँ, बर्श नहीं थी कपड़ा धोने वाली और मैंने मंगाई भी नहीं, चलो मैं हाथों से मल देती हूँ। ये देखो ये दादा के वाइट कपड़े मैंने निकाल लिए थे हाथों से धुलने के लिए, ये लगी। अब इनको अच्छे से साबुन लगा के जो कॉलर है और जो बाजू है और जो काखों में पीला पीला जम जाता है उनको मैं साबुन से रगड़ कर अच्छे से हाथों से रगड़ दूँगी साबुन लगा के, उससे क्या है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे कपड़े, साफ़ हो जाएंगे वाइट वाले। और जो चद्दर वद्दर थी धुल के मैंने वो वॉशिंग मशीन में ड्रे होने के लिए डाल दी थी, मैं ये धुल जाएंगे इतने में इन कपड़ों को वाइट वाले कपड़ों को हाथों से धुलूँगी, फिर इनमें नील भी दूँगी, तो इसलिए मैंने वो कपड़े ड्रे होने के लिए डाल दिए हैं और इन कपड़ों को हाथों से धोने लगी हूँ। वो बॉटल में रखे है वो नील है, यहाँ एक पाउच आता है पॉलीथीन में वो उसको पानी में डाल के मिक्स कर देता है, तो ये एक बॉटल भर जाती है 5 रुपये की पाउच से। और अब यहाँ आ गई थी मैं चादर सुखाने, वो वाइट कपड़े मैंने दरिया होने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। अब इनके दादाजी यहाँ आए हुए थे इसलिए मैंने घूंघट कर रखे हैं,
यशवी के दादा आए हुए थे तो इसलिए मैंने यहाँ घूंघट कर रखा था। और ये चादर वहाँ सुखाई थी, अब दूसरी चादर सुखा रही थी। दादा यहाँ खाने खाने आए थे अभी, दादाजी यशवी के दादाजी सॉरी मेरे ससुर जी। और यहाँ मैंने ये चादर सुखा दी थी और पापा यहाँ हाथ धुलने आए थे और अब अंदर जाके खाना खाएंगे। और ये तोले वाले धुल रहे थे जो थोड़े बहुत कपड़े रहे थे, मैं चलो बाद में धुलूंगी। पापा बोले अभी मैं नहीं नहाऊंगा, मैं शाम को ही नहाऊंगा क्योंकि पापा खोदी निकालने खेत में जाएंगे दोबारा, नरमे में खोदी निकालने जाते हैं तो इसलिए पापा नहाए नहीं। पापा बोले मैं अभी खाना खाऊंगा, मैं नहीं नहा रहा। तो मैं चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो मैं इतना अपना कपड़े पूरे निकाल दूंगी। और आज का व्लॉग मैं ये एंड कर देती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी मिलूंगी।